तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारा का बर्थडे और रात के बज रहे हैं लाइक 11 कुछ ऐसे बज रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे बलून्स ब्लो कर दिया है और उसका गिफ्ट जो है हम लोगों ने हाइड करके रख दिया है कि सुबह उठेगी तब उसको देखे। और बस ये ईद वाले व्लॉग के बाद ही मैंने ये व्लॉग कंटिन्यू किया है। तो मार्वल टर्न 9 एंड टाइम फ्लाइज बाय। तो बस बच्चे सो गए हैं, अब ये प्लान हम लोगों ने किया कि अब मायरा का गिफ्ट जो है उसको हम लोग असेंबल कर देते हैं। तो उसे बिल्कुल भी हम लोगों ने हिंट नहीं होने दिया। वो सोने से पहले भी पूछ रही थी मुझसे कि क्या गिफ्ट मिल रहा है इस बार मुझे। तो उसने पहले ही हमें बोल दिया था कि इस बार मुझे पियानो चाहिए, कीबोर्ड चाहिए पापा। तो हम लोगों ने बोला नहीं 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 अब ईद में तुमको मिल चुके हैं इतने गिफ्ट, अभी बर्थडे और ईद का गिफ्ट सेम ही हुआ है, तो बस इसके लिए सरप्राइज़ है। और नींद से जो है हालत ख़राब हो गई थी, 2 बज गए थे ये सारी चीज़ें करते करते। ये है नेक्स्ट मॉर्निंग की वीडियो। तो बस सुबह जल्दी से उठकर यहाँ पे हम लोगों ने कैमरा लगा दिया था कि मायरा का रिएक्शन नोट करेंगे, क्योंकि इस बार हमने बिल्कुल भी उसको क्लू नहीं होने दिया था कि जो है गिफ्ट हम लेकर आ गए हैं। और बस अभी उसको उठाएंगे और ये कहा है कि चलो आ जाओ नीचे, सबका वीडियो कॉल आया है इंडिया से, इन सब तुमसे बात करने के लिए परेशान हो रहे हैं। तो अब देखते हैं उसका क्या रिएक्शन होता है। और उसके बाद बस तीनों लग गए और रिजान तो जो रोया है कि ये मेरा है मेरा है, मायरा का नहीं है, मेरा हैप्पी बर्थडे। तो बहुत मुश्किल से उसको कन्विंस किया और उसको जब कन्विंस करे तो मायरा का मूड ऑफ था। तो खैर सबको टर्न वाइज यहाँ पे बैठाया गया है कि थोड़ी देर तुम चलाओ थोड़ी देर तुम चलाओ। तो 2 बच्चे होते हैं ना तो यही हाल होता है भाई। तो बस दिन में हम लोगों ने ये प्लान किया कि चलो कहीं बाहर चलते हैं। और मायरा तो सुबह से रेडी थी क्योंकि ईद में भी हम कहीं गए नहीं थे, जो बारिश हो रही थी ना ईद वाले दिन। बट आज थोड़ा सा वेदर जो है वो थोड़ा सपोर्टिव था, हालांकि बादल दिख तो रहे थे, बट ये था कि चलो कोई नहीं। तो हम लोगों ने सोचा कि मॉल चलते हैं, यहाँ पर एक स्टार सिटी मॉल है, वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं बच्चों के लिए करने के लिए। गेमिंग जोन है, सॉफ्ट प्ले एरियाज़ हैं, फूड आउटलेट्स भी हैं। एंड जब हम यहाँ आए तो देखा कि ईद की वजह से थोड़ा ये राइड्स वगैरह भी इन्होंने लगा कर रखे हुए थे। और भीड़ जो थी ना वो शदीद भीड़ थी भाई, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो हमें लग रहा था बस पार्किंग मिल जाए, हालांकि बहुत ह्यूज है इनका पार्किंग एरिया और काफ़ी सारे फूड आउटलेट्स भी हैं। एंड सारे मोस्ट ऑफ देम आर हलाल फूड आउटलेट्स। तो अच्छा है ये एरिया, थोड़ा सिटी से दूर है, मतलब हमारे एरिया से थोड़ा सा ये दूर है, बट ठीक है, वर्थ कमिंग है। मतलब बच्चे यहाँ पे काफ़ी इन्जॉय कर सकते हैं और यहाँ पे मूवी बॉलीवुड मूवी भी लगी हुई थी। तो खैर वो तो हम नहीं देख सकते 2 बच्चों के साथ, बट यही था। और हर बर्थडे ना हमारी यही कोशिश होती है कि जो बच्चे चाहते हैं वही करें, क्योंकि उनका डे है, वो जिस तरीके से इंजॉय करना चाहते हैं हमें वही करना चाहिए। और राइड दे के अब ये है था कि हम भी जो है बच्चे ही बन गए थे, तो हमारे ने कहा कि मम्मा इस बार राइड में आप चलेंगे हमारे साथ। बस मॉल एंटर होते ही ना काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और काफ़ी सिक्योरिटी भी इस बार उन्होंने रखी थी, क्योंकि बच्चे ना ओवर एक्साइटेड हो जाते और हाथ जनरली ना हाथ छुड़ा कर उधर उधर भागने लगते हैं। तो वो काफ़ी देख रहे थे कि कोई बच्चा अकेले तो नहीं है, पेरेंट्स अलग तो नहीं हो गया है। तो खैर हम आ गए गेमिंग जोन और मैंने तो इज़ान और मायरा दोनों के हाथ पकड़ लिए कि नहीं भाई बिल्कुल हम साथ साथ चलना, खो मत जाना। और खैर ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर इन लोगों को काफ़ी मज़ा आता है और रिजान को तो बाइक्स और कार बस मिलनी चाहिए।
बस थोड़े मोड़े बच्चों ने गेम खेले, इंजॉय किया, और थोड़े से टिकट्स इनके हाथ में आपको दिख रहे होंगे वो मिल गए इन लोगों को। और बोलिंग एरिया और उसमें काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, तो फिर ये प्लान किया कि चलो ऊपर देखते हैं, सॉफ्ट प्ले एरिया ले जाते हैं, तो वहाँ पे भी बहुत लंबी वेटिंग थी। तो बस ये था कि ईद के नेक्स्ट डे सारे लोग निकल गए थे वेदर अच्छा देखकर, तो काफ़ी ज़्यादा रश था। तो ऑन बर्थडे गर्ल्स डिमांड, हम आ गए हैं यहाँ पे पिज़्ज़ा खाने के लिए। वो पहले ही उसने एक दिन पहले बोल दिया था कि आई विल हैव पिज़्ज़ा ऑन माय बर्थडे, क्योंकि पिज़्ज़ा, पास्ता, गार्लिक ब्रेड ये सारी चीज़ें उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, एंड पूरे रमज़ान में उन्होंने बिल्कुल ये सारी चीज़ें नहीं खाई थी। तो वी सेड ओके फाइन, यू कैन हैव अ पिज़्ज़ा। एंड अब खा पी कर इंजॉय करके अब हम जा रहे हैं घर वापस, और घर जाकर करेंगे केक कट। चलो जान जाओ। 1, 2, 3, start. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Mahira. Happy birthday to you. No, mama, no. No, papa, no. सबसे पहले. Mama, birthday. Happy birthday हो गया. तो ये था हमारा छोटा सा सेलिब्रेशन ऑफ मायरा का बर्थडे, एंड शी हैड अ लवली डे, जो हम चाहते थे। मायरा का बर्थडे व्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।